हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। एलजेब्रा के हम दो लेक्चर कवर कर चुके हैं। तीसरा लेक्चर चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस। थर्ड लेक्चर में हम आगे थ्योरम्स कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम आपके पास, प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। आपको प्रूव करना है कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर दे रखी है तो उसका एडजॉइंट भी नॉन सिंगुलर होगा। चलिए देखिए प्रूफ। लेट ए बी एंड रॉड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमें गिवन है कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास है, उसका एडजॉइंट नॉन सिंगुलर आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने ले लिया कि ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये चीज़ आपके पास गिवन है। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें चाहिए कि एडजॉइंट भी हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। तो एडजॉइंट नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का, वो भी हमारा नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एक रिजल्ट किया था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हम लेके चलते हैं एंड डिटरमिनेंट अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। एक उठा लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हमारा गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के इक्वल। ठीक है, टेकिंग डिटरमिनेंट बोथ साइड, बोथ साइड्स डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए कंप्लीट का डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आई ऑफ ए राइट हैंड साइड का डिटरमिनेंट। ठीक है, इधर डिटरमिनेंट को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू। अब आप जब इसको सॉल्व करते हो, देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज एनी कांस्टेंट। ये जो वैल्यू देगा कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, तो ए हमारे पास अगर डिटरमिनेंट निकालते हो इसका तो क्या कैसे करते हो, 1 2 3 4 दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो ये क्या आता है 4 - 6 दिस इज -2। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए एनी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, और अभी हम फाइंड आउट करें डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसकी मल्टीप्लाई आपने की डिटरमिनेंट ए के साथ। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू मान लीजिए हमारे पास -2 आ गई, -2 और आई एन मैट्रिक्स, जैसे ये एन ऑर्डर की है, यहाँ पे हमारे पास 2 ऑर्डर की है, तो 2 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स आइडेंटिटी ले लेते हैं 1 0 0 1। ठीक है, जब भी आप किसी नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कैसे लेते हैं, हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है -2 0 0 -2, ये वैल्यू आ गई आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी की। अब हमें कंप्लीट का डिटरमिनेंट चाहिए, यानी अब हमें चाहिए डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट ए इंटू आई टू, मीन्स मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए। तो डिटरमिनेंट करते हो तो -2 0 0 -2, ऊपर यहाँ करके बता देते हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई टू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारे पास -2 निकली है, तो -2 दिस इज कंप्लीट, इसकी कंप्लीट की वैल्यू जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आई है, ये मैट्रिक्स आई है, तो हम डिटरमिनेंट उठा लेंगे -2 0 0 -2। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जब भी डिटरमिनेंट में से हम कॉमन निकालते हैं, या तो एक रो से कॉमन निकलता है या एक कॉलम से कॉमन निकलता है। तो एक -2 कॉमन आ रहा है हमारा रो से, ओके, और एक -2 आ रहा है सेकंड रो से, ये हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारा रह गया 1 0 0 1, इसको आप लिख सकते हो -2 स्क्वायर, ओके, तो -2 स्क्वायर दिस इज आइडेंटिटी, इसका डिटरमिनेंट 1 हो जाएगा, यानी आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास इंटू 1, ओके, तो ये आ गया हमारे पास
टू की स्क्वायर। अब ये देखिए ये रिजल्ट यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर मान लो हमारे पास मैट्रिक्स होती 3x3 की, अगर 3x3 की मैट्रिक्स होती तो जहाँ पे आपने मैट्रिक्स ली थी 2x2 की, वहाँ पे 3x3 हो जाता, आइडेंटिटी 3x3 की आती, तो वहाँ पे तीन रो बन जाती आपके पास। जैसे ही आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते और ये मैट्रिक्स होती I3, I3 इज़ अ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, जब भी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते फिर इसका डिटर्मिनेंट लेते तो आपके पास एक फर्स्ट रो से कॉमन आता, सेकेंड रो एंड थर्ड रो, तो -2 की पावर क्यूब आ जाता वहाँ से। अगर हम इसमें से कॉमन निकालते तो -2 की पावर क्यूब हो जाता है। दैट मीन्स फॉर्मूला क्या बन रहा है हमारे पास, अगर हम यहाँ से लॉजिक देखें तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने ही उस डिटर्मिनेंट ए की जो है पावर हो जाती है। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई थी, -2 आई थी, तो -2 की पावर 3 हो गई। अभी हमने 2x2 निकाला तो -2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, -2 की पावर 2 हो गई। तो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। डिटर्मिनेंट ए की मल्टीप्लाई आप IN से कर रहे हो, nth ऑर्डर, तो यहाँ पे आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n, समझ गए। -2 की पावर 3, अगर हमारे पास 4x की होती तो -2 की पावर 4, क्योंकि -2 हर एक में नहीं लेना, जो भी डिटर्मिनेंट आता है डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2x2 की ली थी ना और उसका डिटर्मिनेंट -2 आया था, समझ गए। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n बन जाएगा इसका रिजल्ट। देन आपको वैल्यू चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए के, आप जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसको इससे डिवाइड करोगे, इम्प्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और जो मल्टीप्लाई में है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाओगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से आप डिवाइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, जिसे भी डिवाइड करते हो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन -1, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए हमारा इक्वल आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन -1। अभी हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हमें गिवन है, तो इसकी कितनी भी पावर कर लो वो भी नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा, देन इट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो तो एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो, एंड अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है देन एडजॉइंट ऑफ ए इज नॉन सिंगुलर। ये थ्योरम थी आपके पास, ठीक है। तो यहाँ तक एन की नेक्स्ट जो थ्योरम आपके पास गिवन होगी इससे जो नेक्स्ट है वो आपको यहाँ तक प्रूव करनी है, सेम टू सेम यही प्रोसीजर चलेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन -1। अगर आपके पास ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए की पावर एन -1, जो कि अभी अभी थ्योरम में हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो फर्स्ट तो आप पीछे प्रूव अभी कर भी चुके हो, तो हमारे पास रिजल्ट होता है एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN। हमने कैसे किया था, अभी डिटर्मिनेंट लिया था बोथ साइड ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू IN। दिस इज इसको अलग अलग कर लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ये क्या बनता है, जितने ऑर्डर के होते हैं हमारे पास वो उसके पावर में आ जाता है, ठीक है। इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हमारा इसकी n पावर, इससे डिवाइड करोगे एक पावर से तो n -1 हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन ले लो और जो हमारा रिजल्ट है दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये आना चाहिए। तो जहाँ पे भी हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में आप अगर ये रिप्लेस करते हो तो यहाँ पे ए की जगह हमें पुट कर देना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट इज एडजॉइंट तो हमें गिवन ही है, ए की जगह पे रखोगे आप एडजॉइंट ऑफ ए, ओके। इक्वल ए की जगह पे आपको रखना है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इनटू IN, ओके। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसमें हमने ए को रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए से, देन एडजॉइंट ऑफ ए इसको हम एज इट इज रखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए
into adjoint of A, this is equal to, इसकी वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम सेकेंड से, इसकी वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस वन, और ये आ जाएगा आई, ये हमारे पास कहाँ से आया, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं A से, प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A, A से अगर आप प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, A इंटू, इसको हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज, और ये आ जाएगा एज इट इज, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल, A से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस वन इंटू आई, ठीक है। A इंटू एडजॉइंट ऑफ A फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से रिजल्ट अप्लाई कर देते हैं, ये बन जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई एन, इसकी जगह पे A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हमने रिजल्ट लगाया फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, दिस इज एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू A और आई एन को इकट्ठा ले लीजिए, A इंटू आई एन, और ये आपके पास कॉन्स्टेंट है तो इसको आप इधर लिख सकते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एन माइनस वन, डन। हमें वैल्यू चाहिए दिस, आई एन से अगर कंप्लीट को मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर यही आता है, इसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये आपके पास क्या बनेगा, आई एन इसे मल्टीप्लाई करेंगे इधर यही रह जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू A इंटू आई एन, क्या होता है, A मैट्रिक्स ही आ जाता है, एक किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से करते हैं तो मैट्रिक्स ही आता है इट सेल्फ, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस वन, और डिवाइड कर रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A से, देन एडजॉइंट ऑफ A, दिस इज इक्वल टू A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस टू, एक पावर ये ऊपर जाएगी n माइनस टू हो जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करनी थी, सेकंड पोर्शन, ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है ये कांस्टेंट होता है, तो आप इसको कम्यूट कर सकते हो, मतलब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हो, n माइनस टू इंटू ए, ये आपका प्रूफ है सेकंड पार्ट। नेक्स्ट थ्योरम गिवन है, इफ़ A इज नॉन सिंगुलर देन प्रूव दैट A ट्रांसपोज इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर, एंड A ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू होगा A इनवर्स ट्रांसपोज के। देखिए गिवन क्या है आपके पास, गिवन है A इज अ नॉन सिंगुलर, A हमारे पास गिवन है नॉन सिंगुलर, इज नॉन सिंगुलर एंड रोड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर A नॉन सिंगुलर है therefore determinant of A not equal to zero, और determinant of A not equal to zero that implies that A inverse is exists, A inverse exist करेगा, अगर A inverse exist करता है that means A into A inverse या फिर A inverse into A किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के, ठीक है, A inverse की डेफिनेशन होती है हमारी, then taking transpose both sides, ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A डॉट A इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स A ट्रांसपोज इक्वल टू I ट्रांसपोज, I ट्रांसपोज इज इटसेल्फ I ही आता है, तो यहाँ पे ट्रांसपोज ओपन करोगे तो आपके पास रिजल्ट होता है A इंटू B का, अगर ट्रांसपोज ओपन करते हो तो B डैश इंटू A डैश, यानी B ट्रांसपोज पहले पीछे वाली मैट्रिक्स का होता है दिस, इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा A इनवर्स ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, दिस इज इक्वल टू, इसको ओपन करोगे तो A ट्रांसपोज इंटू A इनवर्स ट्रांसपोज, और ये इक्वल होता है आइडेंटिटी ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी के ही, A इनवर्स ट्रांसपोज को A ट्रांसपोज से पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई एंड पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आइडेंटिटी आ रहा है, इट मीन्स A ट्रांसपोज इज एन इनवर्स ऑफ A इनवर्स ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज का. हमने क्या कहा कि जैसे इनवर्स की डेफिनेशन होती है ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी आता है, तो ए इनवर्स जो ए का इनवर्स बन जाता है. इसी तरह से अगर हम दोनों सेम, ये भी सेम आपके पास, ये मैट्रिसेस भी सेम है, अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी आ रहा है, दैट मीन्स हम एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स का इनवर्स हो जाती है. तो ए ट्रांसपोज इज एन इनवर्स ऑफ दिस. इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इनवर्स ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हो जाएगा, दिस. और यही चीज़ आपको प्रूव कर. फर्स्ट गिवन आपके पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं इसका, 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4. ये मैट्रिक्स आपके पास गिवन है. एक्सपेंड कैसे करते हैं, 1 × डिटरमिनेंट ऑफ, ये आप रो एंड ये कॉलम स्किप कर देते हैं और डिटरमिनेंट आ जाता है 3 -3 -4 -4 का. माइनस सेकंड प्लेस लेते हैं तो हम माइनस अप्लाई करते हैं, -1 × हम विद रिस्पेक्ट टू रो एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, -1. अब ये जो 1 आता है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देते हैं. ठीक है, डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 -3 and -2 and -4 +3 × ये स्किप करना है आपके पास, 1 3 -2 -4. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 × -12 and -, प्लस और एक माइनस आपका डिटरमिनेंट का अप्लाई होगा, -12 -1 दिस इज -4 and -6 +3 × -4 and -, प्लस हो जाएगा 6. -24 -10 एंड प्लस हो जाएगा ये +10 एंड यहाँ पे 2 और ये प्लस का रहेगा 6. -4 6 is 2 2 3 is 6 आ जाएगा. -24 + 16 आंसर आया आपके पास 8. -8 दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0. तो डिटरमिनेंट हमारा ए का नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है. इसका मतलब होता है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब हमें इनवर्स के लिए आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए. और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हो, चलिए देखिए. एडजॉइंट ऑफ ए, इसको रफ कर देते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कोफैक्टर की मैट्रिक्स. तो पहले तो हम कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं. A11 मतलब हम इस प्लेस का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं. इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 इस इंडेक्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 × M11 होता है माइनर ऑफ A11. और माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे हम एक्सपेंड करते हैं वहाँ पे हम 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट जब हम माइनर निकालते हैं तो सिर्फ इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, 1 को नहीं लेते. ये जो डिटरमिनेंट होता है ये M11 हो गया, क्योंकि हमने 1 के विद रिस्पेक्ट इसको निकाला है. ये हो गया आपके पास 1 2, इसको छोड़ के सिर्फ डिटरमिनेंट M12 हो जाएगा. तो सबसे पहले तो आप A11 निकालिए, दिस इज -1 की पावर 2, M11 दिस इज क्या बना था, ये -12 and -12 -24. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -20 यहाँ से प्लस हो गया, इसका आंसर आ गया -24. दिस इज A12 अगर आप निकालते हो तो हमें कोफैक्टर यानी कि ये बन जाएगा -1 की पावर 3, इंडेक्स को ऐड करेंगे 3, into M12 मतलब हमें ये कॉलम और ये रो छोड़ के इसको एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट को, तो ये हमारा ये बन जाता है M12. तो -1 की पावर 3 इज माइनस, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया था हमारे पास, -4 - -1 और -6, तो -10 आया था, -10 और एक माइनस हमारा यहाँ से, दिस इज +10. ओके, तो इस तरह से आपको सारे कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, -1 की पावर 3 और 1 4 into M13 यानी कि वो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है आपको, दिस इज, तो ये आ जाएगा -1 की पावर 4, प्लस हो जाएगा -4 और -6 2. ऐसे ही आप सेकंड रो पे आते हैं,
ये प्लेस होता है 2-1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब हमें अगर इसका माइनस चाहिए, ये इक्वल टू हो जाएगा -1 की पावर 3 इंटू m21। m21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये स्किप कर देंगे, डिटर्मिनेंट होगा 1-3 -4 का, ठीक है। तो -1 की पावर -, यहाँ से आ जाएगा और इसको एक्सपेंड करेंगे तो -4 -+12, दिस इज -8 8 2 2, -1 की पावर 4 इंटू m22, -1 की पावर 4 इज प्लस हो जाएगा और 2 2 मतलब ये इसको स्किप करना, डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 3 -2 -4 का, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो -4 और -±+6, दिस इज 2। ओके, 8 2 3 निकालते हैं तो -1 की पावर 5, 2 और 3 को ऐड करेंगे, 2 और 3 देखो कहाँ पे आता है, ये होता है सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हमें इस रो को और इस कॉलम को स्किप करना है, ठीक है। देखिए इस रो इस कॉलम को स्किप करेंगे तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, तो -4 m 2 3 आ जाएगा, माइनस इंटू 2 3 निकाल रहे हैं, दिस इज -4 और +2, दिस इज -2 और माइनस यहाँ से 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 2 3 निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट नंबर है a31 का, a31 -1 की पावर 4 इंटू m31। m31 मतलब हम इसका निकाल रहे हैं, ये रो और ये कॉलम स्किप कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस -3 और -9, -1 की पावर 4 पॉजिटिव, तो -3 -9, दिस इज इक्वल टू -12। a32 -1 की पावर 3 to 5 इंटू m32, -3 2 निकाल लीजिए, 3 2 ये प्लेस होता है, इस कॉलम को इस रो को स्किप करके -3 and -3 -3 -3 -6 और एक माइनस यहाँ से +6 आ जाएगा। a33 -1 की पावर 6 m33 लास्ट, दिस इज तो 3 -1, -1 की पावर 6 पॉजिटिव हो जाएगा, तो वहाँ से आ जाएगा 3 -1 is 2। तो कोफैक्टर आपके पास सारे आ गए हैं, इनकी मैट्रिक्स अब आपको बनानी है, इसको रफ कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, दिस इज इक्वल टू a11 फर्स्ट प्लेस -24, a12 सेकेंड 10 और a13 इज 2, दिस इज 2-1 -8 2 and 2 और 3-1 -12 6 and 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स आ गई आपके पास कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स। अब आपको फाइंड आउट करना है एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। आपको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, तो हम जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स आई है इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, -24 10 2 -8 2 2 -12 6 and 2, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -24 रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, 10 2 -8 2 and 2 एंड थर्ड रो आ जाएगी -12 6 and 2, ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। देन ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास जब हमने सॉल्व की थी तो शायद -8 आई थी, -8, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना है, 1/-8 डिटर्मिनेंट की वैल्यू और सेम टू सेम एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे, 24 -8 -12 10 2 6 2 2 and 2, नहीं 2 2 आ रहा है ये वाला। देन अब इसको -8 को यहाँ से डिवाइड कर दो सबको, डिवाइड करोगे तो अंदर आपके पास
डिवाइड में आ जाएंगे टर्म्स, ठीक है। तो ये होता है एडजॉइंट ए इनवर्स फाइंड आउट करना, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट। एग्जांपल गिवन है दैट डी इज इक्वल टू डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, ये आपके पास प्रिंसिपल डायगनल होता है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कैसी है, डायगनल मैट्रिक्स, नॉन डायगनल एलिमेंट ऑल आर जीरो, तो आपके पास डायगनल मैट्रिक्स और आपको फाइंड आउट करना है इसका इनवर्स, फाइंड डी इनवर्स, डी इनवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ डी, डी मैट्रिक्स दे रखा है तो डिटरमिनेंट ऑफ डी क्या आ जाता है, डायगनल मैट्रिक्स का जब आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो तो मल्टीप्लाई हो जाती है ऑल डायगनल एलिमेंट्स, और इसने बोल रखा है कि डी वन डी टू डी फोर में से कोई भी जीरो नहीं है, ठीक है। डी वन से डी फोर इन नंबर्स में से कोई भी जीरो नहीं है, अगर एक भी जीरो जाता तो मल्टीप्लाई इनकी जीरो हो जाएगी, ओके। तो इसका डिटरमिनेंट डायरेक्ट आ जाएगा, डायगनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट डी वन इंटू डी टू इंटू डी थ्री इंटू डी फोर, डायगनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लीकेशन हो जाती है डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ डी, एडजॉइंट ऑफ डी के लिए आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए कोफैक्टर के। अब कोफैक्टर हम निकालेंगे डी वन का जीरो का निकालोगे, इनका निकालोगे, सबका जीरो जीरो आएगा, तो सिर्फ डायगनल एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कोफैक्टर ऑफ डी वन, कोफैक्टर ऑफ डी वन निकालते हो दिस इज, तो ये क्या बनता है आपके पास, माइनस स्मॉल डी वन है, माइनस वन की पावर, अब ये ए वन वन प्लेस पे है, माइनस वन रेज टू पावर टू इंटू माइनर हो जाएगा आपके पास एम वन वन, यानी कि डिटरमिनेंट आ जाएगा डी टू जीरो 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 डी थ्री जीरो 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 डी फोर, ठीक है। ये हम माइनर लेके चलते हैं, यानी कि इसका निकाल रहे हो तो इस रो और इस कॉलम और इस रो को स्किप करके बाकी जो नंबर बच जाते हैं उनका डिटरमिनेंट उठाते हैं। ये फिर से डायगनल मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई, तो माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन, दिस इज डी टू इंटू डी थ्री इंटू डी फोर, डिटरमिनेंट डायरेक्ट आ जाएगा, ओके। सेम टू सेम कोफैक्टर्स ऑफ डी टू, डी टू का निकालते हो दिस इज, ये प्लेस कौन सा है, टू टू, टू टू प्लेस करते हो तो माइनस वन रेज टू पावर फोर हो जाएगा विच इज़ पॉजिटिव, और डिटरमिनेंट निकालोगे इसको और इसको छोड़ के डिटरमिनेंट आ जाएगा आपके पास दिस डी वन जीरो 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 डी थ्री जीरो एंड दिस, तो ये आपके पास आ जाएगा, डी टू को स्किप कर देंगे, डी वन डी थ्री डी फोर। सेम टू सेम कोफैक्टर ऑफ डी थ्री निकालते हो, डी थ्री निकालेंगे तो इसको स्किप कर देंगे, बाकी डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, तो डी वन डी टू एंड डी फोर, कोफैक्टर ऑफ डी फोर, कोफैक्टर डी फोर निकालते हो तो ऊपर वाले की मैं इसका डिटरमिनेंट लोगे तो डी वन डी टू डी थ्री, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के लिए इनकी मैट्रिक्स बनाते हैं और उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर, डिटरमिनेंट डी से डिवाइड करेंगे तो हमारा इनवर्स निकल आता है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए सबसे पहले, तो कोफैक्टर की मैट्रिक्स, कोफैक्टर की मैट्रिक्स अगर आप बनाओगे तो ये आपके पास फर्स्ट प्लेस पे आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। इसके पहले मैट्रिक्स ही बना लो, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स, ये आपके पास क्या बनेगा, डी टू डी थ्री डी फोर जीरो जीरो जीरो, तीन प्लेसेस पे सबका, बाकी सबके जो कोफैक्टर वो जीरो आएंगे। फिर आता है ज़ीरो सेकंड प्लेस पे, इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ज़ीरो 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 सेकंड प्लेस पे डी टू का कोफैक्टर आ रहा है, डी वन डी थ्री डी फोर ज़ीरो 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 ज़ीरो, डी थ्री का आ रहा है डी वन डी टू डी फोर एंड ज़ीरो, और लास्ट में आपके पास आ रहा है फोर्थ प्लेस पे आ जाएगा डी वन डी टू डी थ्री। ये आपके पास कोफैक्टर की मैट्रिक्स, और इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, तो डायगनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी कि इस रो को यहाँ पे लिखोगे आप तो वो सेम आ जाएगा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज करोगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो आपके पास ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी डी, डी मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं। अब आपको चाहिए डी इनवर्स, दिस इज एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ डी, तो हम इस कंप्लीट मैट्रिक्स को डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ डी से, और डी डिटरमिनेंट ऑफ डी क्या गिवन आपके पास, वन बाय डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, ये आ जाएगा डी इनवर्स। तो डी इनवर्स क्या बना आपके पास, ये एडजॉइंट ऑफ डी हो गया,
यहाँ पे आपके पास वन बाई डिटरमिनेंट ऑफ डी वन डिवाइड में होता है, तो इस नंबर से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, इस नंबर को अंदर लेके जाओगे, जैसे ही आप इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो डी टू डी थ्री डी फोर कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा वन बाय डी वन, वन बाय डी वन, और आगे के प्लेसेस पे ज़ीरो। देन इसकी मल्टीप्लाई आप सेकंड प्लेस से कराओगे, डी वन डी थ्री डी फोर कैंसिल, डी टू बच जाएगा, तो ये आ जाएगा ज़ीरो, वन बाय डी टू, ज़ीरो ज़ीरो। नेक्स्ट प्लेस पे आ जाएगा वन बाय डी थ्री, ज़ीरो, और फोर्थ जो आपके पास रो रहेगी वन बाय डी फोर। ये है आपके पास इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लास्ट टॉपिक आपके पास है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे निकालते हो मैट्रिक्स मेथड से। फॉर एग्जांपल जो इक्वेशन होती है आपके पास ए एक्स इक्वल टू बी फॉर्म में अगर गिवन है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशंस इस फॉर्म में गिवन है तो आपका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी इक्वेशन ले लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 15, 3x प्लस y प्लस 6z इक्वल टू 7, एंड 5x प्लस 7y माइनस z इज इक्वल टू 8। अगर आपके पास ये इक्वेशन ले रखे हैं और आपको सॉल्व करना है जबकि पास मैट्रिक्स मेथड से, तो इस पूरे सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं ए एक्स इक्वल टू बी से। ए क्या होता है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स जो होती है, ए मैट्रिक्स बनेगी जो एक्स वाई और जेड के कोफिशियंट से हम बनाएंगे। जैसे आपके पास ये बन जाएगी एक्स का मल्टीपल 2, यहाँ पे वाई का मल्टीपल 3, जेड का 5, दिस इज 2 3 5। नेक्स्ट एक्स का मल्टीपल 3, वाई का 1, जेड का 6, दिस इज 3 1 6। नेक्स्ट रो इक्वेशन में है 5 7 -1, 5 7 -1, तो ये आपके पास मैट्रिक्स हो गई ए 3 क्रॉस 3 की। ठीक है, फिर एक्स हमारे पास होता है दो वेरिएबल आपके पास गिवन होते हैं, एक्स मैट्रिक्स में आएगा एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स होती है कॉलम मैट्रिक्स जो आपके पास वेरिएबल गिवन होते हैं। ठीक है, और जो बी मैट्रिक्स है ये जो इक्वल के आगे जो आपके पास मिलेगा, इक्वल इज 15, दिस इज इक्वल 7, दिस इज इक्वल 8, ये आपके पास होती है बी मैट्रिक्स। ओके, ए मैट्रिक्स मिल गई, बी मिल गई, एक्स है, तो सॉल्यूशन कैसा निकलेगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ए इनवर्स तो वैसे ही निकालना जैसे अभी हमने बताया, तो पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे, ए इनवर्स निकालोगे, दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, ए इनवर्स निकल जाएगा आपका, देन जो बी मैट्रिक्स है उससे आप मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 3 क्रॉस, जैसे ही आपके पास इनवर्स से बी की मल्टीप्लाई करते हो ए इनवर्स बी, ये भी आपके पास मैट्रिक्स आएगी 3 क्रॉस 3 की, सॉरी 3 क्रॉस 3 नहीं, कॉलम आपके पास जो गिवन होगा ये है 3 क्रॉस 1, 3 रो है 1 कॉलम है। ठीक है, और ए जो मैट्रिक्स है वो है 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 1, तो ये मैट्रिक्स मिलेगी आपको 3 क्रॉस 1 की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए इनवर्स बी की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 4 5 6, तो आंसर कैसे निकालोगे, एक्स ये होता है सॉल्यूशन आपके पास एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स वाई जेड, ए इनवर्स बी की वैल्यू अज्यूम कर लिया हमने 4 5 एंड 6, देन एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 जो इसके इक्वल है, वाई की आ जाएगी 5 एंड जेड की आ जाएगी 6, जेड इज इक्वल टू 6। इस तरह से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है कोई भी अगर आपके पास गिवन है इक्वेशन, सेट ऑफ इक्वेशंस, ये तभी आपके पास पॉसिबल है जब ये नॉन सिंगुलर होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है, इनवर्स तभी निकाल सकते हो जब हमारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है। ठीक है, तो ये आपके पास थी एक्सरसाइज 1.1 तक कंप्लीट कवर हो गई है थ्योरम एंड एग्जांपल्स।